सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे सभी शिक्षक साथी दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कोर्सेज में प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्स करते समय उनको कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। इससे पूर्व भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिससे हमारे कुछ साथियों को उससे सहायता मिली, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी सारी समस्याएं हैं जो बार बार नई रूप में आ रही हैं। और उसका मुख्य कारण है कि जो हमारे साथियों के पास मोबाइल हैं वो पुराने हो चुके हैं, जिनके मोबाइल 1 से लेकर 2 साल पुराने हैं उनके साथ ज़्यादा समस्या है, और जिनके फ़ोन नए हैं उनके साथ समस्या कम आ रही है। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि उनका ऑनलाइन प्रशिक्षण सही ढंग से हो सके। तो आज हम इसमें जो चर्चा करेंगे कुछ समस्याओं की, पहली समस्या ये है कि हमारे कुछ साथियों का 100% कोर्स पूर्ण होने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, हमारे कुछ साथियों ने मॉड्यूल के तीनों जो कोर्स थे उन्हें करा, लेकिन उसके साथ एक समस्या ये है कि उन्होंने जो क्विज अटैम्प्ट किए उनमें उनके जो अंक थे वो 70% से कम आए। ऐसे में अब वो क्या करें कि उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए, इसका भी एक जो निदान है हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद कुछ हमारे साथी हैं जिनके सामने ये मैसेज भी आ रहा है बार बार कि अनेबल टू लोड द कंटेंट, मतलब उनके कुछ कोर्स में जो मॉड्यूल हैं वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, जिससे वो कोर्स आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आगे के कोर्स नहीं खुल पा रहे हैं। इसके साथ एक समस्या और भी आती है कि कुछ लोगों के कोर्स 100% पूर्ण होने के बाद भी ऑनगोइंग दिखाता है या अविरत दिखाता है। तो ये जो समस्याएं हैं इन्हीं को आज हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। तो इनका समाधान कैसे होगा उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ एक नई तरीके से। तो सबसे पहले हम जैसे दीक्षा ऐप को यहाँ पर ओपन कर देते हैं, तो आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरा प्रोफाइल यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अभी केवल 2 ही कोर्स इसमें दिखा रहा हूँ आपको। एक कंप्लीटेड हो गया, उसका सर्टिफिकेट आ गया, एक्शन रिसर्च ऑन गोइंग चल रहा है जिसको अविरत बोलते हैं हिंदी में। तो ये भी मैंने करा नहीं है पूरा, लेकिन जिन हमारे साथियों ने कर लिया है और उनका यहाँ पे अविरत आ रहा है, 100% उनका हो चुका है, तो वो जो ये एक आइकन मैंने पहले भी पूर्व वीडियो में बताया था, ये रिफ्रेश वाला आइकन है, इसको आप 5-6 बार रिफ्रेश करिए और इससे भी समस्या का समाधान कईयों का हुआ है। लेकिन अगर आपका इस समस्या का समाधान इससे नहीं होता है, तो मैंने बताया था कि आपके जो प्रोफाइल है उसको नीचे जोर से ऐसे करिए, स्क्रॉल नीचे को करिए तो ऊपर भी रिफ्रेश आएगा, कुछ के फ़ोन में वहाँ से भी रिफ्रेश हो जाता है। इसके साथ अगर इन समस्या से आपका समाधान नहीं निकल रहा है, तो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था हम एक और तरीके से भी सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे तीन आपके जो यहाँ पे बार दे रखे हैं, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आएगा। हेल्प में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इसमें सिलेक्ट कैटेगरी दे रखी है। अगर आपको किसी में परेशानी है, कंटेंट में कंटेंट प्ले नहीं हो रहा है, उसकी समस्या, प्रोफाइल की समस्या, लॉगिन की समस्या, तो आप ये सारी समस्याएं यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से हल कर सकते हैं। कोर्स एंड सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, तो कोर्स एंड सर्टिफिकेट में जो समस्या आ रही है उसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें 4 समस्याएं हैं ये बता रहा है यहाँ पे। तो मोस्टली 2 समस्याएं हमारी आती हैं, एक तो आई हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग बट माई प्रोग्रेस इज़ नॉट 100%। ये क्यों आ रहा है ऐसा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि दीक्षा जो ऐप है वो बता रहा है कि आपका 100% तभी आएगा जब आप लगातार वीडियो को देखेंगे और पीडीएफ फाइल्स को लगातार कंप्लीट करेंगे, मतलब देखने के बाद उसको जहाँ पर उसका एग्जिट आता है वहाँ तक उसको ले जाएंगे। उसके बाद आप स्किप नहीं करेंगे पेज को, और इसके साथ साथ जो आपका रेटिंग आता है उसको भी आप रेटिंग देंगे। बहुत हमारे शिक्षक साथी क्या कर रहे हैं, रेटिंग ना देके फटाफट कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। आप रेटिंग भी दीजिए कोर्स को तो इससे समस्या नहीं आएगी।
अगर इसके बाद भी अगर आपको ये वाली सहायता से संतुष्ट नहीं है तो आप यहाँ अलग से लिख सकते हैं रिपोर्ट अदर इशू। यहाँ पे आप क्लिक करिए और आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी। तो यहाँ पे कंटेंट से संबंधित कोई समस्या है, लॉग इन, टीचिंग ट्रेनिंग और अदर इशू, तो अदर इशू में आप क्लिक करिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स। यहाँ पे आप कोर्स का नाम भी लिख देंगे, है कंप्लीटेड द, यहाँ पे लिख देंगे कोर्स बट कांट रिसीव माई सर्टिफिकेट। ये मैसेज आप लिख दीजिए और यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे एक मैसेज थैंक्स का आपके पास आ जाएगा, फीडबैक का। और ये आपका जो प्रॉब्लम है 2-3 दिन भी लग सकते हैं सॉर्ट आउट होने में, तो आप इंतज़ार कर लीजिए। इसके बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, अब जो नया तरीका एक और है इसमें कि आपका कोर्स नहीं खुल रहा है, आप दोबारा से परीक्षा देना चाहते हैं, आप दोबारा से कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है, ये 99% काम करता है ये मेथड। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फ़ोन की सेटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर फ़ोन की सेटिंग अलग होती है, चाहे आपका ओप्पो फ़ोन हो, चाहे आपका रेडमी नोट हो, चाहे सैमसंग फ़ोन हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करा तो आप देखेंगे यहाँ पे हर फ़ोन की सेटिंग अलग होगी। तो मेरे को यहाँ पर ऐप की सेटिंग ढूंढनी है क्योंकि मेरे को दीक्षा ऐप के बारे में यहाँ पे कुछ उसकी टेम्प्रेरी फाइल को डिलीट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन एंड परमिशन दिया हुआ है, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ऐप मैनेजर आ रहा है। तो ये हर फ़ोन में ऐप मैनेजर होता है, आपको इसको ढूंढना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखना कितने सारे ऐप यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऐप है जिसमें मैंने ढूंढा वो है दीक्षा, जिसमें हमें परेशानी हो रही है। तो दीक्षा ऐप को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो दीक्षा ऐप में यहाँ पे दे रखा फोर्स स्टॉप और अनइंस्टॉल, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये भी नहीं देखना, हमें केवल इंटरनल स्टोरेज देखना है। तो इंटरनल स्टोरेज इस समय जो दीक्षा ऐप की मेरे फ़ोन पे है वो 35.71 MB है। ये हर एक की अलग अलग हो सकती है, जिसने ज़्यादा कोर्स किए उसकी ज़्यादा होगी, 1 GB तक हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक करा तो आप देख रहे हैं हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लियर कैचे आ रहा है और एक क्लियर डेटा आ रहा है। अब आपने देखा कि हमारा जो टोटल है दीक्षा ऐप में वो 35.71 MB है, ऐप्स हमारा 25.40 MB का है दीक्षा ऐप, और डेटा हमने जो यूज़ किया है वो है आपका 5.95 MB, और जो कैच मेमोरी है, जो टेम्परेरी मेमोरी बन जाती है दीक्षा ऐप में काम करते करते, वो 4.36 MB है। ये ज़्यादा भी हो सकती है जब आप ज़्यादा काम करेंगे। अगर दीक्षा ऐप में हम काम करते तो टेम्परेरी जो फाइल्स बनती है उसके कारण भी हमारी कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ से हम दूर कर सकते हैं क्लियर कैचे के मदद से। तो इसको हम जैसे क्लियर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 हो गया, अभी हमारी सारी जो इंटरनल मेमोरी थी टेम्परेरी वो हट गई है यहाँ से। इस वाली मेमोरी में और क्लियर डेटा में दो अंतर हैं कि कैचे मेमोरी में आपसे लॉग आउट नहीं होंगे आप दीक्षा ऐप से, आप डायरेक्ट दोबारा वहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लियर डेटा करते हैं तो एक मैसेज आपके पास आएगा, जैसे ये क्लियर हमने इसको करा तो ये आ रहा है आफ्टर द क्लीनिंग अप ऑल द फाइल्स सेटिंग अकाउंट डेटाबेस एंड अदर इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दिस ऐप विल बी डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिट्राइव। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने अगर दीक्षा ऐप में कोई फोटो अपलोड करी है या PDF फाइल अपडेट करी है वो डिलीट होगी, लेकिन आपके कोर्स डिलीट नहीं होंगे। अगर आपने कोर्स 70% किया है या 90% किया है तो वो वहीं से उसको दिखाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अंतर और आ जाएगा क्लियर डेटा में कि आप इससे लॉग आउट हो जाएंगे, आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। इसलिए क्लियर डेटा जब ऑप्शन आप चुनें तो अपना पासवर्ड
और आपको अपनी आईडी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप क्लियर डेटा ऑप्शन चुनें। तो क्लियर डेटा मैंने आपको बता दिया, तो हमने यहाँ पे क्लियर डेटा कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो दीक्षा का जो ऐप था पहले 35 से था, वो घटकर 25.40 हो गया। अब हमारे ऐप में इस समय कोई भी जानकारी नहीं बची है। अब हम क्या करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। तो आपने देखा कि हमारा दीक्षा ऐप ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये नए सिरे से आपसे जानकारी मांगेगा। जैसे आपने शुरू में रजिस्ट्रेशन किया था वैसी आपको जानकारी इसमें भरनी होगी। जैसे इंग्लिश मैंने ले लिया, कंटिन्यू, टीचर, इसके बाद मैं बोर्ड सेलेक्ट करूँगा, हम जैसे उत्तराखंड के हैं तो इसमें उत्तराखंड स्टेट आ जाएगा। उसके बाद आपका मीडियम हिंदी, उसके बाद आपकी क्लास हमने ले ली, जैसे हम एलटी में पढ़ा रहे हैं तो 8th 9th 10th ले लिया, सबमिट कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आगे बढ़ गया। अब हम अभी इसमें अपना प्रोफाइल देखते हैं, यहाँ पे हम प्रोफाइल देखते हैं, तो ये प्रोफाइल है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, अभी गेस्ट दिखा रहा है कि हम लॉगिन नहीं हुए हैं, हम बाहर आ चुके थे, तो अब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ये ऑप्शन आ रहा है लॉगिन। अगर आपने लॉगिन विद दीक्षा से किया है तो आप पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, आप दोबारा से रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि आप रजिस्टर हो चुके हैं। आप केवल साइन इन विद गूगल से करेंगे, आपने पहले इससे किया है अपना अकाउंट तो इसी से करेंगे। तो आप साइन इन विद इन गूगल करा तो आपका ईमेल मांगेगा, यहाँ पे ईमेल को क्लिक करें तो आप इसमें देख रहे हैं आपका सारा जो कंटेंट है वो अपलोड हो चुका है। अब आप बैक जाएंगे और आप दोबारा से अपना प्रोफाइल खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वही आपकी आईडी आ गई है और आपके जो आपने कोर्स किया था वही दिखा रहा है यहाँ पे। कंप्लीट था मेरा COVID-19, वही कोर्स आया है। एक्शन रिसर्च जो मेरा अनकम्प्लीट था वो वैसे का वैसा आया। जिन लोगों के यहाँ पर कोर्स अविरत आ रखा था और उनका 100% कोर्स हो चुका था, तो यहाँ पर वो पूर्ण आएगा और उनका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान देंगे सब साथी हमारे, कि आप जब भी अपना कोई भी काम करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई मैसेज आएगा जहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर अपडेट का वर्जन आता है तो आपको अपडेट करना होगा अपना ऐप, क्योंकि कई बार अपडेट ना करने से भी कई प्रकार की परेशानी इसमें आती रहती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, और वो हमारे साथी जिनके अंक 70% से कम आए तीनों अटैम्प्ट में, तो वो दोबारा से कोर्स इसमें डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा ज्वाइन द कोर्स, क्योंकि आपने कोर्स तो हमारे इसमें ऑलरेडी है लेकिन आपने उन कोर्सों के अंदर की जो मेमोरी थी वो डिलीट कर दी, तो अब आप दोबारा से टेस्ट दे पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका इस मेथड का उपयोग केवल वही शिक्षक करें जिनको इस प्रकार की समस्या है कि उनका कोर्स के में मार्क्स कम आए या उनका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा उनको टेक्निकल नॉलेज हो, उनको अपने प्रोफाइल के बारे में पता हो, पासवर्ड के बारे में पता हो, वही इस मेथड को अपनाएं। और ये मेथड 99.9 कारगर है। तो मेरे को मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और आने वाले समय में मैं और भी नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।